नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं फिजिक्स वाला के नाम से जाने जाते मोहम्मद जिया सर, जो हर छात्र में मानता हूँ कि जितने भी यूपीएससी या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट को ये नाम रटा हुआ होगा। और खरगोन में हमारे बीच में आज आए हैं, कीमती समय निकालकर एसडब्ल्यू चैनल के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा जिया सर कि जिस तरीके से आज शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, पहले जो स्कूल्स डाले जाते थे या स्कूल्स चलते थे तो वो एक सेवा का था, आज काफ़ी महंगा हो गया है। तो स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं वो रास्ते ढूंढते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ से उन्हें सस्ती शिक्षा मिले। तो आपका नाम इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो बताएं कि क्या करते हैं आप और किस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाया, इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फिजिक्स वाला, इसके फाउंडर अलक पांडे सर, एक्चुअली उनका विजन था कि किस तरीके से शिक्षा का जो एक डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि शिक्षा का जो शिक्षा मिल रही है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती जा रही थी। शिक्षा का आपने कहा व्यवसायीकरण हो चुका था, जहाँ इतनी ज़्यादा महंगी फीस थी। और बड़ी चीज़ ये थी कि बच्चा जिसके पास पैसे थे उसके पास एक्सेस नहीं था, क्योंकि हर किसी के लिए हर जगह मौजूद होना पॉसिबल नहीं था। तो अलग सर जो फाउंडर हैं हमारे, उन्होंने इसी विजन के साथ फिज़िक्स वाला की शुरुआत की। और आज हम सब लोग, जितनी हम फैकल्टीज़ हैं फिज़िक्स वाला की, हम सब इसी मिशन के साथ हैं, इसी रेवोल्यूशन के साथ हैं कि हमें इस बात को कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, और हर बच्चे के लिए, चाहे वो IIT जाना चाहे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जाना चाहे, चाहे वो IAS IPS बनना चाहे, ये उसके लिए एक्सेसिबल हो। वो इस चीज़ पर लिमिट ना रहे कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या मुझे कोटा जाना पड़ेगा या मुझे इंदौर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने घर पे बैठ के अपने स्टडी टेबल के ऊपर इन सारी चीज़ों को हासिल कर सकूं, यही हम लोगों का मकसद था। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो बहुत ही नॉमिनल उस पे अवेलेबल है। जैसा कि ज़्यादातर पेरेंट्स मोबाइल के यूज़ से बच्चों से डरते थे कि बच्चा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, जबकि आज फुल टाइम अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेगा तो ही, इस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि कोविड से पहले हम बच्चों को सिखा रहे थे कि मोबाइल से दूर रहो, और जब कोविड आया और क्लासरूम्स बंद हुए तो हमने कहा कि मोबाइल लो। अब इस दौरान हमने ये भी देखना है कि बच्चा जो है उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करे। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल या इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक ऐसा वेपन है जिसको आप यूज़ करके अपने आप को जहाँ चाहें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और ये जो पेरेंट्स का डर है कि मोबाइल, अब बिल्कुल आप मॉनिटरिंग, क्योंकि बच्चा आपके घर, देखिए मोबाइल ज़्यादा ख़तरनाक या कहें कि उसका जो मिसयूज़ है तब होता है जब वो बच्चा जो है वो बाहर है, हॉस्टल में रह रहा है, पेरेंट्स का चेक नहीं है। लेकिन आज क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के तहत हम बच्चे के घर पे पेरेंट्स के सामने अवेलेबल हैं, तो बच्चा, पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस टाइम पढ़ रहा है, उसकी क्लास का टाइम क्या है। ये पेरेंट्स को भी अपडेट होता है कि भाई 2 बजे से 4 बजे तक बच्चे की क्लास है, तो उनको पता है कि 2 से 4 बच्चे की क्लास है तो वो क्लास कर रहा होगा। तो ये एक नई चीज़ है, इससे ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि शिक्षा जो है ख़ासतौर पर अच्छी शिक्षा अब हर किसी की रीच में है। अच्छा, बहुत सारा देखा कि अभी हम जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अभी तय नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से, जैसे उनको कुछ लोग बताते हैं कि जब तक शिक्षा का माहौल नहीं बनेगा छात्रों को, जब तक वो नहीं दिखेगा, तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे बच्चा आकर्षित होता है, बार बार बोलता है कि नहीं हम तो इंदौर के इंस्टीट्यूट में ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि वो जब उस माहौल को वो नहीं कर पाता है, तो आपके पास जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या आपको कभी इस तरीके से लगा कि उनको वो जो माहौल है उसकी कमी लग पा रही है? देखिए, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद घर में वो एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता पढ़ाई का, इसलिए PW खासतौर पर जो JEE NEET है, उसकी विद्यापीठ और बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, ब्रांचेज ओपन है, वो चाहे तो वहाँ जाके भी इसी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की, जिस मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को पढ़ना है
वो कहीं भी पढ़ सकता है, और हर अगर उसको उसके मर्ज़ी का, और हो सकता है किसी को भीड़ में नहीं पढ़ना हो, किसी को अकेले पढ़ना हो, उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। कोई हो सकता है माहौल तो है लेकिन किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इंदौर या भोपाल या कहीं भी जाके जो है शिक्षा ले, तो उन दोनों चीज़ों का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसीलिए अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस जितना इफेक्टिव बना पाए। तो क्या इस क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है क्या आपका, कि ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चालू हो रही है? जी, ऑफलाइन क्लासेस हैं, विद्यापीठ और पाठशाला जो है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन अब हम ऑनलाइन क्लासेस को ही ऑफलाइन जितना इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसकी तरफ काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप केवल इंस्टीट्यूट ही नहीं चला रहे, आप क्षेत्र में लोगों के अंदर एक शिक्षा के प्रति जागृति भी ला रहे हैं, आप कुछ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में होते हैं, तो आपको इधर इस क्षेत्र से जब बच्चों से बात करी तो आपको क्या लगा, इस क्षेत्र में क्या कमी लगी? देखिए, मुझे जो ख़ासतौर पर हम खरगोन में हैं और हम इधर मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में मैंने बच्चों को देखा, तो उनको बाहर एक एक जो है कि पढ़ाई में माहौल अच्छा है, स्कूलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बच्चा बाहर निकलने से कहीं ना कहीं डरता है कि मैं जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है मैं उसी को ग्रहण करूँ और मैं यहीं रहूँ। ये एक चीज़ होगी, अगर क्योंकि अगर आपको IIT पढ़ना है तो आपको IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर जाना पड़ेगा, आपको IIM में पढ़ना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। भारत के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने के जितने संसाधन हैं वो आपको मिलते हैं, बस ये है कि वो कोई वहाँ अगर जाना चाह रहा है तो बच्चे के अंदर ये एक होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना, और इसी की वजह से, क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है या उतनी, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ख़ासतौर पर, शायद बच्चों को ये भी नहीं पता है बहुत से बच्चों की IIT जाया कैसे जाता है, या नीट का एग्ज़ाम होता है तो वो क्या होता है, उससे कहाँ एडमिशन मिलता है, कितने रैंक पर एडमिशन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस की कमी है, और हम ऐसे माध्यम से, ऐसे न्यूज़ के माध्यम से, ऐसे चैनलों के माध्यम से, हम ये भी अपना एक कर्तव्य जो एक नागरिक होने का है कि हम अपने बच्चों को ख़ासतौर पर इसके बारे में बताएं, फिर ये उनके ऊपर है कि वो किस क्षेत्र को चुनते हैं। निश्चित ही बहुत काम की बात बताई आपने, लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि जब बच्चा नीट की या JEE की तैयारी करता है या PSC की तैयारी करता है, तो उसके पेरेंट्स को कितने किस तरीके से उन बच्चों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, या उसका क्या रोल आ जाता है माता पिता का? माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण इसमें किरदार है। उसकी वजह यह है क्योंकि बच्चा 8-10 साल से 10-10वीं कक्षा तक, हम मानते हैं 11वीं कक्षा तक, माँ बाप जैसा बोल रहे थे, लेकिन अब वो उसने एक फैसला लिया है, उसने खुद के लिए लिया है, उसने तय किया है कि मुझे अपना जीवन एक डॉक्टर बन के, एक इंजीनियर बन के, IAS IPS बन के गुजारना है। तो अब आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको वो माहौल देना चाहिए। बच्चा कहता है कि पढ़ाई का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल क्या होता है? पढ़ाई का माहौल ये होता है कि वो हॉस्टल में रह रहा है, तो उसे उसके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बस पढ़ रहा है, इसलिए उसको वो माहौल अच्छा लगता है, इसलिए वो उसमें जाना चाहता है। आप घर में वो माहौल दीजिए, आप अपने बच्चे को हर काम से, हर जिम्मेदारी से फ्री कर दीजिए। आप जितना अपने बच्चे को इन जिम्मेदारियों से फ्री रखेंगे वो उतना पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा, और आपको उसको सपोर्ट करना है हर हालात में, चाहे वो कामयाब हो और बहुत, क्योंकि नीट में, JEE में, IAS के एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तब भी माँ बाप को उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उनको अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे को एक मौका और है वो दे सकते हैं तो बिल्कुल दें, और उनको लगता है कि नहीं, अगर बच्चा कुछ और करना चाह रहा है तो जो वहाँ पर उसके फैसलों को सपोर्ट ज़रूर करें, हर बच्चे के फैसले को सपोर्ट करें, क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा, हो सकता है वो ये कहना चाहता हो कि ठीक है मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, तो उसका उस फैसले में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, हम जितना ज़्यादा अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे वो उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। निश्चित ही बड़े गर्व की बात है कि इस बार खरगोन क्षेत्र से भी टॉप 10 में, जो अभी MP बोर्ड के रिजल्ट आए उसमें टॉप 10 में बच्चों ने स्थान पाया है, और शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही बढ़ोतरी हो रही है। तो इस, चूँकि आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, तो इस क्षेत्र के बच्चों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बच्चों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा, बच्चों के साथ बल्कि सबको, कि बच्चों को अपने दिल की और जो उनके ख्वाब है उनको फॉलो करने दीजिए, आप उनको अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर मत डालिए। और बच्चों से कहूँगा कि आप सपने देखिए, आप पूरा आसमान आपकी उड़ान के लिए इंतज़ार कर रहा है, बस आप वहाँ पहुँचिए, आप अपने आप को 400-500 किलोमीटर की रेंज में कि हम यहीं रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसमें मत करिए।
पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपकी है, और आप जाइए और शिक्षा अब किसी उस चीज़ का नहीं है कि ये नहीं मिलेगी, शिक्षा का बिल्कुल डेमोक्रेटाइजेशन होगा, और यही जो शिक्षा में क्रांति, पीडब्ल्यू भी, अलग सर भी इसको प्रमोट करते हैं, और यही उनका विजन है कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में इस क्रांति को लाना है कि शिक्षा हर किसी के पहुँच में हो। तो शिक्षा हर किसी के पहुँच में, और बच्चे बिल्कुल, आप जितनी ऊँची उड़ान उड़ोगे हिंदुस्तान उतना ऊँचा उड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका SW चैनल के लिए, आपने समय दिया। थे हमारे साथ में मोहम्मद जियाद सर, जिन्होंने SW चैनल के साथ ही हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए भी कुछ अच्छे संदेश दिए हैं। तो धन्यवाद।